नमस्कार दोस्तों आप का स्वागत है बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा डो है जो कि इसी मॉडल आधारित पर आपको बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा में और सामाजिक विज्ञान का आज हम बताने जा रहे हैं दोस्तों तो आइए पहला प्रश्न आप देख रहे हैं यह भी प्रश्न हम कई बार वीडियो में बता चुके हैं तो जैसा कि आप सभी जान चुके हैं कि यह मॉडल पेपर बिहार बोर्ड के द्वारा जारी किया गया कि बिल्कुल इसी तरह से पूछे जाएंगे आपको तो आइए पहला प्रश्न आप देख रहे हैं स्क्रीन पर कह रहा है प्रश्न में कि हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते थे हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते थे तो आपके सामने चार ऑप्शन है इनमें से कौन सा सही है अगर आप सी सोचे हैं तो बिल्कुल सही सोचे हैं क्लोन हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को क्या कहते थे क्लोन कहते थे ऑप्शन नंबर सी सही है अगला प्रश्न है आपका रोलेट एक्ट कब पारित हुआ रोलेट एक्ट कब पारित हुआ तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है 1919 में रोलेट एक्ट पारित हुआ था अगला प्रश्न आपका जलियावाला बाग बाघ हत्याकांड के विरुद्ध किसने अपनी नाइट की उपाधि त्याग दिया त्याग दी दि। प्रश्न फिर समझिए दोस्तों जलियावाला बाघ हत्याकांड तेरह अप्रैल 1919 उन्नीस में हुआ था और उसी में नाइट की उपाधि किस व्यक्ति ने त्याग दिया था तो आपका ऑप्शन है यहाँ पे देख रहे हैं तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है रविन्द्रनाथ टाइगर ने जलियावाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने अपनी नाइट की उपाधि त्याग दी थी तो रवीन्द्रनाथ टाइगर ने त्याग दिया था चलते अगले प्रश्न की ओर प्रश्न है आपका जर्मनी के एकीकरण एक में किसकी भूमिका महत्वपूर्ण थी जर्मनी के एकीकरण एक में किसकी भूमिका महत्वपूर्ण थी तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है बीस मार्क का अगला प्रश्न है आपका आर्य समाज की स्थापना किसने की आर्य समाज की स्थापना किसने की तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना किसने की स्वामी दयानंद सरस्वती ने अगला प्रश्न आपका पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है उन्नीस में लाहौर अधिवेशन उन्नीस लाहौर अधिवेशन में पारित हुआ था पूर्ण स्वराज की मांग अगला प्रश्न आपका प्रश्न है भारत में सूती वस्त्र की प्रथम मिल खोली गई भारत में प्रथम सूती मिल की खोली गई तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है मुंबई में भारत में सूती वस्त्र की प्रथम मिल कहाँ खोली गई है मुंबई में ऑप्शन नंबर बी सही है अगला प्रश्न आपका अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है लाला लजपत राय लाला लजपत राय अगला प्रश्न है प्रश्न है हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध की समाप्ति के समय अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है निक्सन हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध की समाप्ति के समय अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे निक्सन ऑप्शन नंबर बी सही है अगला प्रश्न आपका प्रश्न विक्टर एमुल ने किस किसे प्रधानमंत्री नियुक्त किया था प्रश्न विक्टर एम ने किसे प्रधानमंत्री नियुक्त किया तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका काउंट कबूर को ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है काउंट कबूर को अगला प्रश्न है रक्त और लोह की नीति का अवलंबन किसने किया प्रश्न है रक्त और लो की नीति का अवलंबन किसने किया तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है विश्व मार्क ने किसने किया मार्क ने आपको इस से पूछ दिया जाएगा प्रश्न कि रक्त और लो की नीति किसने अपनाई तो विश्व मार्क ने अगला प्रश्न है नई आर्थिक नीति एनईपी कब लागू हुई नई आर्थिक नीति एनईपी कब लागू हुई तो इस प्रश्न का उत्तर हो आपका 1921 ईस्वी में ऑप्शन नंबर सी सही है अगला प्रश्न है आपका इंडियन स्टडी कमीशन का अन्य नाम क्या है तो इस प्रश्न का उत्तर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है साइमन कमीशन अगला प्रश्न है महात्मा गांधी ने किस समाचार पत्र का संपादन किया महात्मा गांधी ने किस समाचार पत्र का संपादन किया तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही थे आप यंग इंडिया का अगला प्रश्न है गुड ने वर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है बाइबल अगला प्रश्न है अशोक का अभिलेख किस लिपि में है अशोक का अभिलेख किस लिपि में है तो ब्राह्मणी लिपि में है ऑप्शन नंबर ए अगला प्रश्न है बंगाल विभाजन कब वापस लिया गया बंगाल विभाजन कब वापस लिया गया तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है बंगाल विभाजन को 1911 सौ ईस्वी में वापस लिया था और बंगाल विभाजन कब लागू हुआ था 1905 सौ ईस्वी में बंगाल विभाजन लागू कब हुआ था 1905 में वापस कब लिया 1911 ईस्वी में ऑप्शन नंबर सी सही है इस प्रश्न का उत्तर अगला प्रश्न है आपका रूस में कब दशरथ समाप्त किया गया तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है 1861 ईस्वी में 1861 ईस्वी में अगला प्रश्न है किस सम्मेलन में एक मई को मजदूर दिवस मनाने की निर्णय लिया गया किस सम्मेलन में एक मई को मजदूर दिवस मनाने का निर्णय लिया गया तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है द्वितीय अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन द्वितीय अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन ऑप्शन नंबर बी सही है अगला प्रश्न आपका हो हो ची मिन की सरकार थी तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है उत्तरी वियतनाम में अगला प्रश्न आपका वार एंड पीस किसने लिखी वार एंड पीस किसने लिखी तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है टोए तो स्टाइल ने अगला प्रश्न है सोवियत संघ का विघटन हुआ था सोवियत संघ का विघटन हुआ था तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है उन्नीस में सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था उन्नीस सौ ईस्वी में अगला प्रश्न है आपका पटना को आजिमाद नाम किसने दिया तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा अजीम उस ऑप्शन नंबर बी सही है पटना को आजिमाद नाम किसने दिया था तो अजीम उस सन ने ऑप्शन नंबर बी सही है अगला प्रश्न है पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की तो आजाद शत्रु ने ऑप्शन नंबर सी सही है पाटलिपुत्र की नगर के ने ने की स्थापना किसने की थी अजात शत्रु ने अगला प्रश्न है आपका भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस संस्था द्वारा की जाती है भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस संस्था द्वारा की जाती है तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा भारत में राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है ऑप्शन नंबर ए सही है अगला प्रश्न आपका योजना आयोग का गठन कब हुआ योजना आयोग का गठन कब हुआ तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है 15 मार्च 1950 को 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन हुआ था अब योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग लाया गया है और योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है प्रधानमंत्री तो चलते अगले प्रश्न की ओर प्रश्न उत्पादन के साधन पर निजी व्यक्तियों का स्वामित्व होता है तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है पूंजीवादी अर्थ पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर निजी व्यक्तियों का स्वामी कौन होता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था ऑप्शन नंबर बी सही है अगला प्रश्न आपका गैस और बिजली उत्पादन किस क्षेत्र का अंग है गैस और बिजली उत्पादन किस क्षेत्र का अंग है तो द्वितीय क्षेत्र का अंग है ऑप्शन नंबर बी सही है अगला प्रश्न आपका बांग्लादेश की मुद्रा क्या है बांग्लादेश की मुद्रा क्या है तो डाका डाका ऑप्शन नंबर बी सही है बांग्लादेश की मुद्रा क्या है डाका ऑप्शन नंबर बी अगला प्रश्न आपका प्रोमोयूसूसॉन का संबंध किस देश से है तो इस प्रश्न का उत्तर आपका ऑप्शन नंबर सी बांग्लादेश से अगला प्रश्न है प्राथमिक कृषि साख समिति कृषकों को किस प्रकार का ऋण प्रदान करती है तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका इनमें सभी ऑप्शन नंबर डी सही है अगला प्रश्न है जवाहर रोजगार योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई जवाहर रोजगार योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई तो इस प्रश्न का उत्तर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है उन्नीस ईस्वी में जवाहर रोजगार योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई उन्नीस ईस्वी में ऑप्शन नंबर सी सही है अगला प्रश्न आपका मनरेगा में एक वर्ष में कितने दिन का रोजगार देने की गारंटी देती है मनरेगा में एक वर्ष में कितने दिन का रोजगार देने की गारंटी दी जाती है तो एक सौ दिन ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है एक सौ दिन देने की गारंटी देता है अगला प्रश्न है उपभोक्ता संरक्षण के लिए कितने राज्य आयोग है उपभोक्ता संरक्षण के लिए कितने राज्य आयोग है तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका पैंतीस राज्य ऑप्शन नंबर बी सही है अगला प्रश्न है प्रोम पी सी महान मोहनोलोविस किस अध्यक्षता में किस समिति का गठन किया तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका राष्ट्रीय आय समिति ऑप्शन नंबर ए सही है अगला प्रश्न आपका उपभोग व्यय और बचत का योग कहलाता है तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है आय अगला प्रश्न है निम्न में कौन आर्थिक क्रिया का चक्रीय प्रवाह है निम्न में कौन आर्थिक क्रिया का चक्रीय प्रवाह है तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका इनमें सभी ऑप्शन नंबर डी सही है उत्पादन व्यय आय इनमें सभी ऑप्शन नंबर डी सही है अगला प्रश्न है आपका भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया गया भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया गया तो इस प्रश्न का उत्तर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है अठारह सो अड़सठ ईस्वी में और किसने लगाया था दादा भाई नरोजी ने लगाया था भारत में सर्वप्रथम आय का अनुमान अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सहकारिता का मूलभूत तत्व नहीं है तो इस प्रश्न का उत्तर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है अनिवार्य सदस्यता ऑप्शन नंबर ए सही है अगला प्रश्न आपका इनमें से कौन गैर आर्थिक आधारित संरचना है तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है स्वास्थ्य अगला प्रश्न आपका संविधान का चौहत्तरवा संशोधन संबंधित है संविधान का चौतरवा संविधान संशोधन है तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है नगरीय शासन व्यवस्था में नगरीय शासन व्यवस्था में अगला प्रश्न आपका बिहार में एक नगर निगम में अधिकतम कितने वार्ड हो सकते हैं बिहार में एक नगर निगम में अधिकतम कितने वार्ड हो सकते हैं तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है बिहार में एक नगर निगम में कितने वार्ड हो सकते हैं पचहत्तर पचहत्तर हो सकते हैं अगला प्रश्न आपका चिपको आंदोलन संबंधित है चिपको आंदोलन संबंधित है किससे तो सुंदरलाल बहुगुणा से ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है चिपको आंदोलन किससे संबंधित है सुंदरलाल बहुगुणा से अगला प्रश्न है आपका नेपाल में सप्ताह दलीय संगठन क्यों किया गया तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है लोकतंत्र की स्थापना हेतु अगला प्रश्न है बहुजन समाज पार्टी की स्थापना किसने की बहुजन समाज पार्टी की स्थापना किसने की तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है काशीराम बहुजन समाज पार्टी का स्थापना किसने की काशीराम अगला प्रश्न आपका दल बदल कानून लागू होता है दल बदल कानून लागू होता है तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है संसदों एवं विधायकों पर संसदों एवं विधायकों पर दल बदल कानून लागू होता है अगला प्रश्न है झारखंड बिहार से कब विथक हुआ यानी झारखंड बिहार से कब अलग हुआ तो 15 नव, नवंबर 2000 को झारखंड बिहार से अलग हो गया अगला प्रश्न आपका ऑप्शन नंबर ए सही था इनमें से कौन संघीय प्रणाली की विशेषता नहीं है तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका एक ही शासन व्यवस्था इनमें से कौन संघीय प्रणाली की विशेषता नहीं है तो एक शासन व्यवस्था ऑप्शन नंबर बी सही है अगला प्रश्न है लोकसभा में चुने हुए सदस्यों की संख्या कितनी होती है लोकसभा में चुने हुए सदस्यों की संख्या कितनी होती है तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है पाँच सौ तैतालीस अगला प्रश्न है पूर्व में बांग्लादेश जाना जाता था पूर्व में बांग्लादेश जाना जाता है तो पूर्वी पाकिस्तान पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता है ऑप्शन नंबर सी सही है अगला प्रश्न है वेस्ट इंडीज संघ की स्थापना हुई तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है उन्नीस ईस्वी में इंडीज संघ की स्थापना हुई ऑप्शन नंबर डी सही है अगला प्रश्न आपका इंडिका के लेखक है इंडिका के लेखक कौन है तो आप सभी भी जानते हैं ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है मेगा अगला प्रश्न आपका विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन है विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन है तो भारत ऑप्शन नंबर बी सही है अगला प्रश्न है अंग सन सू की, किस देश की नागरिक है तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है मयंग मार्ग अंग सन सू किस देश की नागरिक है तो मयंग मार्ग के नागरिक है अगला प्रश्न है क्षेत्रवाद की भावना का कुमान है क्षेत्रवाद की भावना का कुपरिमाण है तो इस प्रश्न का उत्तर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है, अलगावाद अलगावाद अगला प्रश्न आपका दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है तो उड़ीसा में है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है अगला प्रश्न है भारत की प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब अपनाई गई भारत की प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब अपनाई गई तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है सितंबर उन्नीस को अगला प्रश्न है विश्व में सर्वाधिक वन वनावरण वाला देश है तो विश्व में सर्वाधिक वन वाला देश है तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका रूस ऑप्शन नंबर ए सही है अगला प्रश्न है किस मिदा में हुमेन्स की मात्रा नग्न होती है यानी कि कम होती है तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है लेटेराइट मिद्दा में लेटेराइट मिद्दा में अगला प्रश्न आपका भारत का सबसे बड़ा खनिज तेल उत्पादक क्षेत्र कौन है भारत का सबसे बड़ा खनिज तेल उत्पादक क्षेत्र कौन है तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है डिगबोई ऑप्शन नंबर ए सही है अगला प्रश्न है इनमें से कौन रोपण फसल है इनमें से कौन रोपण फसल है तो चाय को भी रोपा जाता है रबर को भी रोपा जाता है गन्ना को भी और इनमें सभी हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है इनमें सभी अगला प्रश्न है जीवन रेखा रेल कब चलाई गई थी जीवन रेखा रेल कब चलाई गई थी तो उन्नीस में ऑप्शन नंबर बी सही है अगला प्रश्न आपका कांवर झील कहाँ है तो बिहार के बेगूसराय में है कांवर झील कहाँ है बेगूसराय में ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है कांवर झील कहाँ है बेगूसराय में ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है अगला प्रश्न है किस राज्य में संयुक्त वन प्रबंध प्रबंध का पहला प्रस्ताव पारित किया गया तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका पश्चिम बंगाल में ऑप्शन नंबर ए सही है अगला प्रश्न आपका इनमें से कौन ओ कार्बनिक खनिज है इनमें से कौन ओकार्बनिक खनिज है तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है अवड़क अवड़क ओ कार्बनिक खनिज है अगला प्रश्न है भारत में किस राज्य में सर्वाधिक मेघ्रोवा वन है तो मेघ्रोवा वन है तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है पश्चिम बंगाल में पश्चिम बंगाल में ऑप्शन नंबर बी सही है अगला प्रश्न है कौन कोयला कोयला घटिया किस्म का है कौन कोयला घटिया किस्म का है तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है पीठ कोयला घटिया किस्म का होता है अगला प्रश्न है भारत में चाय की कृषि कहाँ शुरू हुई भारत में चाय की खेती या कृषि कहाँ शुरू हुई तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है असम में अगला प्रश्न आपका पायराइट किस प्रकार का खनिज है पायराइट किस प्रकार का खनिज है तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही धातुविक ऑप्शन नंबर ए सही है पायराइट किस प्रकार की खनिज है धातुविक अगला प्रश्न है भारत का पहला परमाणु शक्ति संयंत्र कौन है भारत का पहला परमाणु शक्ति संयंत्र कौन है तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा जा तारापुर ऑप्शन नंबर ए सही है अगला प्रश्न है कोडरमा का संबंध किस खनिज से है तो इस प्रश्न का उत्तर आ जाएगा कोडरमा का संबंध किस ऑप्शन नंबर ए सही है अगला प्रश्न है आपका किस देश ने ओपेक की सदस्यता त्याग त्याग दी किस देश ने ओपेक की सदस्यता त्याग दी तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है कतर कतर ने ओपेक ओपेक की सदस्यता त्याग दी अगला प्रश्न है इनमें कौन जूट का अग्रणी उत्पादक है इनमें कौन जूट का अग्री उत्पादक है तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका सी बांग्लादेश सबसे ज्यादा जूट का उत्पादन होता है बांग्लादेश में अगला प्रश्न है किस नदी से संबंधित है तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है नील नदी से नील नदी से अगला प्रश्न है आपका इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है तो आतंकवाद आतंकवाद क्या है यह मानवीय आपदा है अगला प्रश्न है विनाशकारी भूकंप से बिहार किस वर्ष प्रभावित हुआ था तो उन्नीस सौ ईस्वी में ऑप्शन नंबर डी सही है अगला प्रश्न आपका बाढ़ के समय कौन स्थान सुरक्षित है तो बहुत ही आसान बात है बाढ़ के समय कौन स्थान सुरक्षित है तो ऊंची भूमि ऑप्शन नंबर ए सही है अगला प्रश्न है भूस्खलन से अभिप्रिय है अभिप्राय है तो भूस्खलन होता है कोई भी चीज़ सरकना यानी कि गिर जाना धीरे धीरे तो क्या मलबों का सिसकना चट्टानों का गिरना चट्टानों का सिसकना, इनमें सभी हो जाएगा यानी कि भूस्खलन मतलब ही होता है कोई चीज़ सीसकना गिरना तो इनमें सभी हो जाएगा भूस्खलन सभी हो जाएगा आस्कमिक प्रावधान का प्रमुख घटक है तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है इनमें सभी इनमें सभी अगला प्रश्न है भूकंप संभावित क्षेत्र में भवनों की आकृति होनी चाहिए तो कैसा होना चाहिए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है त्रिभुजाकार होना चाहिए प्रश्न नंबर एक है आपका यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा का स्रोत रहा है ऑप्शन ए जर्मनी ऑप्शन बी यूनान ऑप्शन सी तुर्की ऑप्शन डी इंग्लैंड तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा आप कमेंट में दें तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है दोस्तों आप लोग इसे ए बी सी डी समझिएगा तो चलते अगले प्रश्न की ओर प्रश्न है इटली एवं, एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं इस प्रश्न का उत्तर कमेंट में दीजिए तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है यूरोप यूरोप महादेश में आते हैं इटली एवं जर्मनी अगला प्रश्न है तीन नंबर प्रश्न है रूस में जार का अर्थ होता है रूस में जार का अर्थ होता है ऑप्शन ए पीने का बर्तन ऑप्शन बी पानी रखने का मिट्टी का पात्र ऑप्शन सी रूस का सम्राट या ऑप्शन डी रूस का सम्राट तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है रूस का सम्राट रूस में जार का अर्थ होता है रूस का सम्राट ऑप्शन नंबर डी सही है अगला प्रश्न है हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश आते हैं प्रश्न है हिंद चीन क्षेत्र में कौन कौन देश आते हैं तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है कंबोडिया वियतनाम लोआस अगला प्रश्न देखिए दोस्तों पांच नंबर प्रश्न है वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई ऑप्शन ए बारदोली ऑप्शन बी अहमदाबाद ऑप्शन सी खेरा ऑप्शन डी चंपारण तो इस प्रश्न का उत्तर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही यानी को वारदोली। अगला प्रश्न है जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहां होता है प्रश्न है। जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहां होता है ऑप्शन ए ग्राम ऑप्शन बी कस्बा ऑप्शन सी नगर ऑप्शन डी महानगर तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर गो यानी डी महानगर में जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है महानगर में ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है अगला प्रश्न है भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट किस वर्ष पारित हुआ भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट किस वर्ष पारित हुआ ऑप्शन ए अठारह ऑप्शन बी उन्नीस ऑप्शन सी अठारह ऑप्शन डी 1911 जल्दी कमेंट में आंसर दीजिए दोस्तों तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है अठारह में अगला प्रश्न है गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते हैं गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते हैं ऑप्शन ए पूर्वी क्षेत्र ऑप्शन बी उत्तरी क्षेत्र ऑप्शन डी दक्षिणी क्षेत्र ऑप्शन सॉरी दोस्तों ऑप्शन सी दक्षिणी क्षेत्र ऑप्शन डी पश्चिमी क्षेत्र प्रश्न का उत्तर बोलिए क्या होगा तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है पश्चिमी क्षेत्र से गिरविटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते हैं पश्चिमी क्षेत्र से अगला प्रश्न है वर्निक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए किस पत्र में रातों रात अपनी भाषा बदल दी ऑप्शन ए हरिजन ऑप्शन बी भारत, भारत मित्र ऑप्शन सी अमृता बाजार पत्रिका ऑप्शन डी हिंदुस्तान रिव्यू तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन नंबर सी अमृता बाजार पत्रिका ने अपनी भाषा को रातों रात बदल दिया था अमृता बाजार पत्रिका ने अगला प्रश्न है पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ ऑप्शन ए लाहौर अधिवेशन ऑप्शन बी लखनऊ अधिवेशन ऑप्शन सी गया अधिवेशन ऑप्शन डी मुंबई अधिवेशन तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा कमेंट बॉक्स में जल्दी दीजिए दोस्तों तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी को बिल्कुल सही है लाहौर अधिवेशन उन्नीस में अगला प्रश्न लाहौर इस प्रश्न का उत्तर आप जान कि लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा अगला प्रश्न है भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था ऑप्शन ए कल्पक्कम ऑप्शन बी नोआरा ऑप्शन सी राणा प्रताप सागर ऑप्शन डी तारापुर तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है तारापुर अगला प्रश्न है प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है बारह नंबर प्रश्न है प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है तो इस प्रश्न का उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है पेट्रोलियम पेट्रोलियम जिस जिसने बी ऑप्शन लगाए थे बिल्कुल सही हो गया पेट्रोलियम अगला प्रश्न है ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है ऑप्शन ए कोयला ऑप्शन बी विद्युत ऑप्शन सी पेट्रोलियम ऑप्शन डी सौर ऊर्जा तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है सोर ऊर्जा ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है सोर ऊर्जा ऑप्शन नंबर डी सही है अगला प्रश्न है भोपाल शहद्री में किस गैस का रिसवा हुआ था तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है मिथाइल आइसोसैनाइट अगला प्रश्न है संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में सॉरी दोस्तों प्रश्न और एक छूट गया पंद्रह प्रश्न देखिए पंद्रह विशेष आर्थिक क्षेत्र कहां स्थित है तो पंद्रह नंबर का प्रश्न हो जाएगा आपका पश्चिम बंगाल में ऑप्शन नंबर बी सोलह नंबर प्रश्न देखिए सोलह नंबर प्रश्न है संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में है तो आपका ऑप्शन दोस्तों हम दिखा रहे हैं देखिए ऑप्शन आपको दिखाई दिया होगा ऑप्शन है ए राजगीर ऑप्शन बी बोध गया ऑप्शन सी बिहार शरीफ ऑप्शन डी पटना संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है तो संजय गांधी जैविक उद्यान नगर में स्थित है पटना नगर में ऑप्शन नंबर डी सही है अगला प्रश्न है सत्रह नंबर प्रश्न है दोस्तों मंदार हिल किस जिले में स्थित है मंदार हिल किस जिले में स्थित है ऑप्शन ए मुंगेर ऑप्शन बी भागलपुर ऑप्शन सी बांका ऑप्शन डी बक्सर तो मंदार हिल किस जिले में स्थित है इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है बाका अगला प्रश्न है उच्च वाच्य प्रदर्शन के लिए हैयूर विधि का विकास करने वाला किसने किया था सर दोस्तों प्रश्न एक बार फिर से पढ़ते हैं प्रश्न है। उच्च वाच्य प्रदर्शन के लिए हयूर विधि का विकास किसने किया था तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है लेहमान अगला प्रश्न उन्नीस नंबर सासाराम नगर का विकास हुआ था सासाराम नगर का विकास हुआ था कब ऑप्शन ए मध्य युग में प्राचीन युग में वर्तमान युग में ऑप्शन डी आधुनिक समय में तो सासाराम नगर का विकास हुआ था ऑप्शन ए मध्य युग में बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा के लिए सामाजिक विज्ञान में इस तरह का प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और हाँ अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें ताकि मेरा मनोबल बढ़े और तो चलते अगले प्रश्न की ओर यह सही प्रश्न बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न है दोस्तों प्रश्न देखिए बीस नंबर सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है बीस नंबर का आंसर क्या होगा जल्दी कमेंट में दीजिए दोस्तों तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है आपका चूना पत्थर सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है चूना पत्थर वो ए अगला प्रश्न है भारत में राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज की स्थापना कब हुई भारत में राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज की स्थापना कब हुई तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है उन्नीस ईस्वी में अगर दोस्तों पूछ दिया जाए कि भारत में राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज की शुरुआत किस राज्य से हुआ तो राजस्थान राजस्थान किस जगह से हुआ तो नागौर जिले से हुआ था दो अक्टूबर उन्नीस को लागू किया गया भारत में पंचायती राज व्यवस्था ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है अगला प्रश्न है बाईस नंबर बिहार में पंचायती राज का स्वरूप है बिहार में पंचायती राज का स्वरूप है तो 22 नंबर का आंसर हो जाएगा इनमें सभी इनमें सभी ग्राम पंचायत पंचायत समिति जिला परिषद तो बिहार में पंचायती राज का स्वरूप कैसा है पंचायत कैसा बना हुआ है तो ग्राम पंचायत है पंचायत समिति है और जिला परिषद है इनमें सभी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है इनमें सभी हो जाएगा अगला प्रश्न है इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है तो तेईस नंबर का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है मेगास्त इंडिका पुस्तक के लेखक कौन मेगास्त ऑप्शन नंबर ए सही है अगला प्रश्न है भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना की गई भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना की गई कहा चेन्नई में मुंबई में कोलकाता में दिल्ली में तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही चेन्नई यानी मद्रास भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहां किया गया था चेन्नई में अगला प्रश्न है पच्चीस नंबर संघ सरकार का उदाहरण है संघ सरकार का उदाहरण है अमेरिका चीन ब्रिटेन कोई नहीं तो संघ सरकार का उदाहरण हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है अमरीका संघ सरकार का उदाहरण है अमरीका अगला प्रश्न है चिपको आंदोलन का प्रारंभ किस राज्य से हुआ चिपको आंदोलन का प्रारंभ किस राज्य से हुआ तो छब्बीस नंबर का उत्तर क्या होगा ऑप्शन है बिहार ऑप्शन बी मध्य प्रदेश ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश ऑप्शन डी उत्तराखंड तो चिपको आंदोलन जो हुआ था दोस्तों वह हुआ था उत्तराखंड में ऑप्शन नंबर डी सही है अगला प्रश्न है नर्मदा बचाओ आंदोलन संबंधित है नर्मदा बचाओ आंदोलन संबंधित है पर्यावरण से शिक्षा से भ्रमण से या उर्वरक से तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यानी को पर्यावरण से नर्मदा बचाओ आंदोलन किससे संबंधित है पर्यावरण से अगला प्रश्न है सूचना का अधिकार कानून कब लागू हुआ सूचना का अधिकार कानून कब लागू हुआ ऑप्शन ए 2004 में ऑप्शन बी 2005 में ऑप्शन सी 2006 में ऑप्शन डी 2007 में तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका सूचना का अधिकार कानून लागू हुआ 2005 में ऑप्शन नंबर बी सही है प्रश्न है बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतवर किसने किया बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतवर किसने किया तो दोस्तों आपको अब आंसर यानी ऑप्शन दिखाई देता होगा ऑप्शन है साफ हो जा हूं ऑप्शन है ए नंबर मेरा जी दसाई बी नीतीश कुमार सी इंदिरा गांधी डी जयप्रकाश नारायण बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया तो जयप्रकाश नारायण ने ऑप्शन नंबर डी जयप्रकाश नारायण ने बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किया था जयप्रकाश नारायण ने अगला प्रश्न देखिए प्रश्न है निम्न को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है निम्न मतलब नीचे आपका दिया गया है सेवा क्षेत्र मछली पालन औद्योगिक क्षेत्र या कोई नहीं तो निम्न में प्राथमिक क्षेत्र किसे कहा गया है तो प्राथमिक क्षेत्र आप सभी जानते हैं कृषि को कहा जाता है और उसी के अंतर्गत आ जाता है आपका मछली पालन तो आपका आ जाएगा मछली पालन सेवा क्षेत्र कौन से क्षेत्र में आते हैं जल्दी जल्दी कॉमेंट करें दोस्तों इसका आंसर सेवा क्षेत्र किस क्षेत्र में आते हैं तो तृतीय क्षेत्र में सेवा क्षेत्र तृतीय क्षेत्र में आते हैं और औद्योगिक क्षेत्र किस में आते हैं द्वितीय क्षेत्र में औद्योगिक क्षेत्र द्वितीय क्षेत्र में और, और देखिए शुरू से बोल देते हैं, हैं। प्राथमिक क्षेत्र में आता है मछली पालन कृषि और पशुपालन ये तीनों जो है कि प्राथमिक क्षेत्र है और सेवा क्षेत्र सेवा क्षेत्र जैसे हो गया आपका सरकारी हॉस्पिटल रेलगाड़ी सरकारी बस मंदिर पंचायत भवन ये सभी जो है कि आपका सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आता है जैसे रेलगाड़ी हो गया सरकारी हॉस्पिटल हो गया ये सभी सेवा के क्षेत्र से आता है और इसी से सरकार को भी ज्यादा आमदनी होता है तो चलते अगले प्रश्न की ओर प्रश्न है योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री राज्यपाल या अर्थशास्त्री तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर खो यानी प्रधानमंत्री होता है योजना आयोग का अध्यक्ष लेकिन योजना आयोग अब क्या कर दिया गया हटा दिया गया इसके स्थान पर क्या लाया गया है नीति आयोग लाया गया है योजना आयोग के स्थान पर कौन सा आयोग लाया गया नीति आयोग अब इसे हटा दिया गया है तो चलते अगले प्रश्न की ओर प्रश्न है भारत में वित्तीय वर्ष होता है भारत में वित्तीय वर्ष होता है ऑप्शन ए एक अप्रैल से इकतीस मार्च तक ऑप्शन बी दस अप्रैल से इकतीस मार्च तक ऑप्शन सी पंद्रह अप्रैल से इकतीस मार्च तक ऑप्शन डी बीस अप्रैल से इकतीस मार्च तक तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है एक अप्रैल से इकतीस मार्च तक भारत में वित्तीय वर्ष होता है एक अप्रैल से इकतीस मार्च तक ऑप्शन नंबर को यानी ए सही है अगला प्रश्न है दादा भाई ने प्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया था दादा भाई नौरोजी ने प्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया था ऑप्शन ए अठारह ईस्वी ऑप्शन बी उन्नीस ईस्वी ऑप्शन सी अठारह ईस्वी ऑप्शन डी उन्नीस सौ ईस्वी तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी को बिल्कुल सही है अठारह ईस्वी में दादा भाई नौरोजी ने सार्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था अगला प्रश्न है मुद्रा के कार्य क्या है मुद्रा के कार्य क्या है तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका जल्दी बताइए कमेंट में क्या होगा मुद्रा के कार्य क्या है मापन संचय भुगतान इनमें सभी तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा इनमें सभी अगला प्रश्न है पैतीस नंबर भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया है भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया है बिल्कुल सही है ए जिस जिसने कमेंट किए बिल्कुल सही है भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया है तो मुंबई को कहा गया है ऑप्शन नंबर ए मुंबई अगला प्रश्न है कौन बीमारू राज्य नहीं है कौन बीमारू राज्य नहीं है बिहार कर्नाटक उड़ीसा मध्य प्रदेश राज्य नहीं है ऑप्शन ए ऑप्शन ए बिहार ऑप्शन बी कर्नाटक ऑप्शन सी उड़ीसा ऑप्शन डी मध्य प्रदेश तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका कर्नाटक बीमारू राज्य नहीं है बाकी बिहार बीमारू राज्य है उड़ीसा बीमारू राज्य है मध्य प्रदेश बीमारू राज्य है ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा यानी खो कि यह कर्नाटक बीमारू राज्य नहीं है अगला प्रश्न है इनमें से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है इनमें से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है सैतीस का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है संतोष अगला प्रश्न है भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई अड़तीस नंबर का प्रश्न का उत्तर क्या होगा कमेंट में बताइए दोस्तों तो भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा उन्नीस सौ हुआ था ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है अगला प्रश्न है स नंबर महासागर के तली पर होने वाला कंपन को किस नाम से जाना जाता है महासागर के तली पर होने वाले कंपन को किस नाम से जाना जाता है ऑप्शन ए भूकंप ऑप्शन बी चक्रवात ऑप्शन सी सुनामी ऑप्शन डी कोई नहीं तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका सुनामी ऑप्शन सी बिल्कुल सही है महासागर के तली पर होने वाला कंपन को किस नाम से जाना जाता है सुनामी के नाम से जाना जाता है अगला प्रश्न है आपका चालीस नंबर लास्ट प्रश्न है मलबे के नीचे दबे हुए लोगों का पता लगाने के लिए किस यंत्र या, की मदद ली जाती है मलबे के नीचे यानी भूकंप हो गया और शायद उसके अंदर जो भी व्यक्ति या आदमी दबा गया है तो कौन सा ऐसा यंत्र है जिससे कि पता लगाया जाता है मलबे के नीचे दबे हुए लोगों का पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद ली जाती है तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है इनफ्रॉड कैमरा तो दोस्तों आप अगर यहां तक पहुंचे हैं तो लाइक और कमेंट जरूर करें कि कैसा लगा और अपने दोस्तों में शेयर करें और हाँ अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो भी त्रुटि जो भी जहां भी दिक्कत हो दोस्तों आप कमेंट करके पूछ सकते हैं जय हिंद जय जै भारत